हरियाणा में दोहराई गई फिल्म बागवान की कहानी इंसाफ के लिए एक मजबूर पिता ने लड़ी लड़ाई। आइए जानते हैं इस फिल्म जैसी घटना के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बागवान जैसी फिल्म आपको याद आ जाएगी इस कहानी के बाद। बेटे अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय उन्हें ही अलग कर देते हैं। इसी तरह के हालात समाज में बनते जा रहे हैं। बेटे और बहू प्रताड़ित करते हैं, घर पर कब्जा करना चाहते हैं, पर पानीपत के एक पिता ने बागवान फिल्म की तरह अपने बेटे को माफ नहीं किया। उन्हें घर से निकलवाने के लिए जिलाधीश के पास याचिका लगा दी। वहां से जीत मिली। प्रशासन ने उनके बेटे व बहू को घर से बेदखल कर दिया। पिता मोहर सिंह ने जागरण से बातचीत में कहा कि बरसों बाद सुकून मिला। बेटा उनके साथ तो गलत व्यवहार करता ही था, माँ के साथ भी गाली गलौज करता था। सतकरतार कॉलोनी में रहने वाले मोहर सिंह बिजली निगम कार्यालय से सेवानिवृत्त हुए। वो चतुर्थ श्रेणी कर्मी थे। उन्होंने अपनी कमाई से 230 गज का मकान बनवाया था। दोनों लड़कों व लड़कियों की शादी करवाई। बड़ा बेटा तो घर से अलग होकर चला गया। मोहर सिंह ने बताया कि छोटा बेटा मकान हड़पने के लिए उन्हें प्रताड़ित करता रहा। बहू भी तोड़फोड़ करती, यहां तक कि उन्हें फंसाने के लिए गलत तरीके से मेडिकल करवाने लगी। पुलिस जांच में सच सामने आ गया, इसके बावजूद उन्हें तंग करते रहे। आखिरकार उन्होंने इन्हें घर से बाहर निकालने के लिए डीसी के पास शिकायत की। उनकी सुनवाई हुई। बेटा कहता रहा कि वो सेवा करेगा, लेकिन अब उस पर भरोसा नहीं था। अगर बच्चे अपने माता पिता को परेशान करते हैं, माता पिता के पास अधिकार है कि वो उन्हें अपने घर से बाहर कर दें। जबरन कब्जा होता है तो जिलाधीश के पास याचिका लगाकर न्याय की गुहार लगा सकते हैं और वहां से न्याय हासिल किया जा सकता है। माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत वृद्ध जन को उन्हें अधिकार मिलते हैं। अगर बुजुर्ग के पास आय का जरिया नहीं है तो वयस्क बच्चों से भरण पोषण प्राप्त कर सकते हैं। अगर संपत्ति पर उनका स्वामित्व है तो अपने घर से बच्चों को निकाल सकते हैं। दोषी सिद्ध होने पर 5,000 रुपए जुर्माना, 3 महीने की सजा भी हो सकती है। भरण पोषण के लिए 10,000 रुपए प्रति माह तक देने का आदेश दिया जा सकता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या राय है, नीचे हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।